लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे वार्ड में लड़के का जन्म हुआ, ये पालना मुझे चाहिए। मेरे वार्ड में लड़की का जन्म हुआ है तो ये पालना मुझे चाहिए। मुझे पालना चाहिए, मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है, मुझे चाहिए। तेरे पति का है क्या, बाहर में जा। तुझे पता है ना कि इस बच्चे की डिलीवरी डॉक्टर सूर्य मौली ने की थी। मेरे वाले बच्चे की डिलीवरी डॉक्टर चंद्रमौली ने की है, जानती है ना। तो क्या हुआ, मुझे ये पालना चाहिए। मुझे चाहिए, चाहिए मुझे। बिल्कुल नहीं दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं दूंगी मैं भी नहीं दूंगी मैं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे ए राज राजेंद्र। ओ नाग नागेंद्र। मेरी तो किस्मत ही खुल गई, लड़का हुआ है। नागेंद्र हाँ? हमारे घर का गैस चूल्हा अभी अभी जला है। हाँ? लड़की हुई है। मैं मिठाई लेकर आया हूँ, ये लो अब खाओ। ये कल की शादी की बची हुई मिठाई लाया है, चतुर चालाक आदमी। तुम तो ये भी नहीं ला सकते थे, कंजूस आदमी। अरे तुम भी खाओ ना। अरे चलो खाओ खाओ, अरे खाओ ना। रेडी स्माइल, मिठाइयां भी तैयार हो गई। राजेंद्र मैंने तुम्हारी एक बहुत अच्छी फोटो खींची है, अगर तुम इसे देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। मुझे अच्छी तरह पता है मेरे मरने के बाद उसी फोटो पर हार चढ़ाएगा। नागू मैंने भी जबरदस्त पकोड़े बनाने की तैयारी की है सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। कैसा दोस्त, दुश्मन है तू मेरा। संजय कहाँ है? वो यहीं कहीं आसपास था। संजू करेले के जैसा आदमी, मन कर रहा है मैश करके इसकी सब्जी बना। हर रोज एक ही ना। लीला मेरी बच्ची। संजय संजय। पापा शादी मतलब क्या होता है? एक दो बार मेरे साथ चलो तो तुम भी सब कुछ समझ जाओगे। पापा हर एक अंकल के साथ एक आंटी है, लेकिन आपके साथ कोई आंटी क्यों नहीं है? पहले तुम्हारी माँ थी बेटा, लेकिन जब वो मर गई तो उसकी फोटो पर हार चढ़ाना पड़ा। मैंने ही उसकी डेथ सेरेमनी पर खाना बनाया था। शांति क्रांति। सुनो बच्चों, नेक्स्ट वीक मेरी शादी है। मैडम सिंगल पार्ट, ये शुभ संकेत है मैडम। शट अप संजय। सुनो मैं एक हफ्ते तक क्लास नहीं ले पाऊंगी, इसलिए तुम सब घर पर ही थ्योरी पढ़ना। ओके मैम, आप आराम से घर पर अपना प्रैक्टिकल खत्म कीजिए। यहाँ देखो यार, हमें नहीं पता कि लड़कियाँ क्या सोचती हैं। हमारी मैडम की शादी के लिए उन्हें देने के लिए कोई गुलदस्ता या ऐसा कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे। हमारे क्रेजी स्टार रविचंद्र की तरह हम भी कोई क्रेजी आइडिया लगाएंगे। हाँ?
सेतु की दुकान में सेल लगी है, हम चांदी का फूलदानी गिफ्ट करेंगे, क्या कहते हो? करो करो, हमारी मैडम चांदी का फूलदान लेकर रोज झील पर जाएंगी, क्यों दोस्तों? चलो जल्दी 40 रुपए दो। चलो तुम भी दो। हाँ ₹420। यस। आज मैं बहुत खुश हूँ, शादी अच्छे से होनी चाहिए। पंडित जी कहाँ है? अग्निकुंड कहाँ है? अरे पर पंडित क्यों चाहिए? अग्निकुंड क्यों चाहिए? और बैंड बाजा कहाँ है? बैंड बैंड का क्या करोगी तुम? ए, हमारी शादी यहाँ नहीं होगी क्या? जरूर होगी, लेकिन इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तुम दोनों बिना किसी चिंता के यहाँ से भाग जाना, हम हर एक चीज का इंतजाम कर देंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। तुमने कहा हम अलग तरीके से तुम्हारी शादी करेंगे, जिसके लिए तुमने हमसे 25,000 रुपए लिए, ये किस तरह का मजाक है बताओ मुझे? अरे मैंने जिस तरीके से शादी की प्लानिंग की है उसमें पंडित की जरूरत ही नहीं है। मतलब? देखो ये है मंत्र मंगल्य, हमारे राष्ट्रकवि कुवेंपु द्वारा लिखी गई है, अगर इस पुस्तक को तुम दोनों पढ़ोगे तो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और ना ज्यादा खर्च होगा, और तुम दोनों के माता पिता राजी है नहीं तो वो देंगे भी नहीं, इसलिए तुम दोनों ये पुस्तक पढ़ो और खुशी खुशी शादी करो। सुनो, दूसरी किताब लो और शुरू करो। मुझे पता है क्या करना है, तुम चुपचाप खड़े रहो, साथ में खड़ी हो जाओ। जाओ। क्या हुआ भाई? ओ, शादी हो गई है तो खुशी का आंसू है ना? अरे बेवकूफ, जो हमेशा लड़ते थे एक साथ देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। वैसे शादी खूबसूरत और अलग थी, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ने के लिए तुमने 25,000 लिए मुझसे? इस पुस्तक के तो पैसे दिए ना तुमने? ये वाली तो मैंने लाइब्रेरी से ली थी, घर जाते हुए वापस करते हुए जाना। इससे पहले किसके परिवार वाले आकर तुम्हें मार डाले, यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी ये एक अनोखी शादी थी, अब हनीमून कैसे मनाना है ये मैं कॉल करके बताऊंगी। यार हमारा कॉलेज तो खत्म हो गया, अब आगे का प्लान क्या है? अपने पिताजी की तरफ फोटो क्लिक करोगे या कुछ और? ओए, मैं कौन सा खाना बनाने वाले की लड़की हूँ जो सारा दिन सब्जी में नमक है या नहीं है उसे चक्कर बताता रहूंगा। सुन मेरे भाई, मेरा नेक्स्ट स्टॉप है मलेशिया, फिर मास्टर्स डिग्री और उसके बाद बड़ा बिजनेस। हाँ? अब मैं बताऊंगी कि आगे चलकर मैं क्या करूंगी। मैं कोई फोटोग्राफर का बेटा थोड़ी ना हूँ जो कुछ भी मिले उसे क्लिक करते चलो। मेरा नेक्स्ट स्टॉप है लंदन, हायर स्टडीज, हाईएस्ट इनकम। चलो कम से कम मनु से तो दूर होगी। क्या कहा तुमने? तो वो कौन जिसे बताऊं? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो भी प्रॉब्लम हो मैं तुझे क्यों बताऊंगी? चुपचाप बैठ। Hey, come on!
ऐसा लग रहा है लंदन में मनहूसियत फैला के आई है। मलेशिया वालों ने लगता है इसे बाहर निकाल दिया। बैंड बाजा बारात पिक्चर देखकर वेडिंग प्लानर बनने के बारे में सोच रही थी ना। और तू उड़न खटोला मूवी देख के इंस्पायर हुआ था क्या? ये लड़की नई वाली फिल्म की बात कर रही है या पुरानी वाली? ए प्रभु मुझे बचा लो, पिछले दो साल से वही सेम एंट्री, वही मन की आवाज। ओह अब इन्होंने सुन लिया क्या? सॉरी। ये साल पिछले साल जैसा बिल्कुल नहीं होगा मिस्टर, बस तुम देखते जाओ शादी के ऑर्डर्स किसे ज्यादा मिलते हैं। एग्जैक्टली अब तुम बस देखती जाओ। शिवू बेटा कॉफी ले आओ। शिवू जाओ जाकर चाय लेकर आओ। हे भगवान ये दोनों के दोनों पागल हैं। सुनो जब से आपकी शादी मुझसे हुई है आपको ऐसा लगा कभी कि आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली है? हाँ लगता है ना। कौन है वो? वो आदमी जिसने तुम्हें मुझसे पहले देखा और रिजेक्ट किया। हम तो कैसे पागल लोग हैं ना, बोलो। अरे रुको जरा, ए जरा बाएं मुड़ो तो। कंटिन्यू। हम लोग वेडिंग प्लानर फिक्स करने के लिए बेल्लारी से बेंगलोर तक आ गए हैं, लेकिन मेरे देवर जी की शादी के बारे में मुझे ही कुछ पता नहीं है, क्या ये सही है? अरे चुप हो जाओ, जा हम रहे और ये हमसे ज्यादा जल्दी में। और तुम, तुम्हारे बेकार भाई पे भरोसा करने से ज्यादा मैं शिवू पर भरोसा करूंगा, क्योंकि उसने इस वेडिंग प्लानर की सिफारिश की है, तो देखना वो जरूर टॉप क्लास का होगा। तो तुम बेवजह परेशान मत करो, चुपचाप बैठी रहो। ए ऑटो ड्राइवर हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, यहीं रुक जाओ। ऑटो का किराया सिंगल मीटर और ड्राइवर का डबल मीटर। सुनो तुम ऑटो को यहीं कहीं पार्क करके वेट करो, हमें थोड़ा काम है, हम आते हैं। ठीक है सर। तुम चलो। ली वेडिंग प्लानर्स सन वेडिंग प्लानर्स। दादा पांच चाय देना। हेलो बॉस। अरे बेवकूफ कहीं के, कहाँ रह गया है तू? मैं आपके लिए चाय लेने के लिए आया हूँ। अरे ये क्या लफड़ा है, यहाँ पर एक ही जगह पर दो दो ऑफिस है, ये क्या बकवास है, समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल इस मिस्ट्री के पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। दरअसल उस जगह का मालिक कामराज है। एक दिन सुबह लीला मैडम ने उस जगह को देखा। अरे वाह ये जगह तो वाकई में बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कामराज को उसी वक्त एडवांस पेमेंट कर दिया। ठीक उसी दिन दोपहर को संजय सर भी आए और वही जगह देखी और सोचने लगे अरे वाह ये जगह तो कमाल की है। उन्होंने भी उस जगह के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने एडवांस दिया कामराज की पत्नी काम कांति को। आपको पता है उस रात कामराज और काम कांति के बीच क्या हुआ? तू मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ, तू कहाँ ये बता। अरे बॉस मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने दो ना। उसी रात कामराज और काम कांति का तलाक हो गया और वो जगह भी पट गई। एडवांस पेमेंट किया है तो मैं ही यहाँ रहूंगी या रहूंगा यही सोच के दोनों वहाँ सेटल हो गए। ये सब तो ठीक है बेवकूफ, मेरे भाई की शादी के लिए कौन सा वेडिंग प्लानर होना चाहिए पहले ये बता मुझे। देखिए सर उन दोनों ने मुझे काम पर रखा है और दोनों ही मुझे सैलरी देते हैं, तो दोनों में से आप किसी को भी चुने। ये आपकी मर्जी, मैं फोन रखता हूँ, बाय। फोन ही काट दिया बेवकूफ ने। हाँ सर बोलिए। ओह माय गॉड आपको मेरा काम इतना पसंद आया? आप चाहते हैं आपके दसों बेटों की शादी का वेडिंग प्लानर मैं ही बनूं? अरे क्यों नहीं सर, वाय नॉट, इसे भी धमाकेदार बनाते हैं हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर चूजिंग ली वेडिंग प्लानर्स मैम। सर दूसरों से कंपेयर करूं तो मेरे आइडियाज ज्यादा यूनिक, ज्यादा स्पेशल और ज्यादा डिफरेंट हैं। सर अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ ना, डेफिनेटली ये पूरी इंडिया में सबसे अलग कॉन्सेप्ट होगा। सर आपके भाई की शादी के लिए इससे ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता। सर
संगीत कैलिफोर्निया में करेंगे, हल्दी के लिए हम जर्मनी जाएंगे, जयमाला वेगस में, फेरे डेनमार्क में करेंगे और रिसेप्शन रशिया में करेंगे। अरे वाह 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 वाह, कितना फैंटास्टिक आइडिया ये। आप ये शादी 5 साल में खत्म करेंगी या फिर 10 साल में मैडम? सर, सिर्फ 2 दिन बहुत हैं सर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रीन मैरिज कॉन्सेप्ट। ये शादी होगी ग्रीन मैच स्टूडियो में और वहाँ हम सब कुछ अच्छी तरह से शूट करेंगे, फिर ऑनलाइन एडिटिंग में फुल मैजिक करेंगे। आप जिस देश में शादी करना चाहते हैं बस बताइए, हम उसे अरेंज कर देंगे। फाइनली जब आप सीडी में देखेंगे ना, आप उसे पहले यहाँ देखना है। बॉस, आप ब्रेकिंग न्यूज बनोगे सर। ये सीडी सुनकर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। वेलकम टू सन वेडिंग प्लानर सर। मैम, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा आइडिया सबसे डिफरेंट है, यूनिक है और मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। और वजह यह है कि दूसरे मुझसे कंपैरिजन करने के लायक है ही नहीं, मेरा तो लेवल ही बहुत अलग है। सर, आपके भाई की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरे लव नहीं, अरेंज मैरिज है भाई। oh, ए, क्या हुआ? मंदिर में सिंपल तरीके से शादी करना, तो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा सर। शादी में एक किक की जरूरत होती है। एक पल के लिए आप मुझे अपना भाई समझिए। तुम्हें क्यों चला रहा है बे? कुछ नहीं भाई। क्या 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 का क्या मतलब है? ओके चल भाग जा। ए, चल आ जा, मार खानी है। चल आ जा, आ जा। वाह।
शांति शांति शांति। लास्ट पार्ट को एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूँ, इस बार ठीक से इमेजिन करना। क्या बात है मेरे भाई, मस्त वेडिंग प्लानर हो कसम से। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट बनाया तुमने। तुम्हें वेडिंग प्लानर के रूप में फिक्स करते हैं, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन शादी कमाल की टॉप टॉप लेवल की होनी चाहिए। जानते हैं मैं जो भी करता हूँ वो सब कुछ टॉप ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग सन वेडिंग प्लानर सर। मैम। ओ सुनो मैडम, हमारे संजय जी से कुछ सीखो। क्या मस्त कॉन्सेप्ट बनाया है, और खुद को देखो, हरे पर्दे पर शादी करवा रही थी, बच्चे ऑनलाइन पैदा करवाती, क्या क्या बकवास कर रही थी। चलते हैं संजय भाई। sure, sir. चलते हैं शिवू, अब चलो, कहीं तुम भी इसी की जैसी मत हो जाना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। शिव, मेरे अगले 7 महीने तो पूरे पैक हो गए यार। अच्छा। ए शिवू, किस्मत भी बड़ी बदनसीब होती है यार। अफसोस की बात है जो गलती से उसके साथ चिपक गई। देखो शिवू, ये कोई फ्लूक नहीं है, ये फैक्ट है। मैंने बहुत मेहनत की है दोस्त। शिवू शिवू, सांप और सीढ़ी का खेल सुना है ना? एक बार सांप काट लेता है ना, तो सीधे नीचे ही आता है, और फिर नीचे वाला दोबारा चैलेंज एक्सेप्ट करके टॉप पर आ जाता है, जानते हो ना? हाँ पता है शिवू। ऐसी लड़की जो मुझे चैलेंज करके जीत जाए वो इस धरती पे मौजूद ही नहीं है भाई। शिवू, इस इडियट को बता दो कि मैं इसके सामने ही खड़ी हूँ। ओए, तू मुझसे लड़ना चाहती है क्या? हाँ बिल्कुल लड़ना चाहती हूँ। आपकी चिंता किसी के प्यार के आड़े नहीं आनी चाहिए, वापस दो इन्हें। ओके सर। सुरक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है। जी सर। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज ऑल माइन। दिस वे सर। सर प्लीज। नमस्ते। हाँ तो शुरू करें क्या? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोत्तम राय और मैं अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। हम बचपन से दोस्त हैं, इस दोस्ती को और भी मजबूत बनाने का समय आ गया है। आप कंटिन्यू करेंगे? जरूर। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बेटी सीरी और ललित चंद्रबाबू के बेटे लंबोदर, इन दोनों की हमने शादी करने का फैसला किया है। बहुत जल्द ही सीरी और लंबोदर की शादी आप लोग देखेंगे।
हम इसे एक ब्रेकिंग न्यूज के बजाय एक सरप्राइजिंग गुड न्यूज भी कह सकते हैं। विपक्ष के नेता श्री ललित चंद्र बाबू और शिक्षा मंत्री सर्वोत्तम राय दोनों ने अपने बच्चों की शादी करने का फैसला किया है। किसी भी बड़े वेडिंग प्लानर से संपर्क नहीं करना और फालतू खर्चा नहीं करना, ये शादी की विशेषता है। साकी से शादी करने के फैसले के साथ ये लीडर्स हमारे अपने स्टार्टअप को एक शानदार मौका दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ मौजूद स्टार्टअप वेडिंग प्लानर श्री लंबोधर विवाह के लिए सिंपल और स्पेशल आइडियाज लेकर के आइए और अपने लिखित प्रस्ताव भेजें। अगर उन्हें प्रस्ताव पसंद आया तो वे आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। कांग्रेचुलेशंस लीला, आप सिलेक्ट हो गई हैं। हम सभी को आपके प्रपोज्ड आइडियाज पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ तक आए उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। ये सर का नेचर है मैडम, वो आपको सिर्फ फोन कर सकते थे लेकिन वो खुद यहाँ पर आया आपको शुभकामनाएं देने के लिए। थैंक यू सर। सर, आपका पावर, स्टेटस और नेटवर्क, यहाँ तक कि सबसे बड़े वेडिंग प्लानर भी इस शादी को फ्री में करने के लिए राजी हो गए होंगे। इसके बावजूद आप हमारे जैसे स्टार्टअप कंपनी को मौका दे रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग सर। जब आप टॉप पर होते हैं आप अपने बराबरी वालों के साथ ही डील करते हैं, लेकिन टॉप पर होकर भी जो उभरते लोगों की मदद करे वही सच्चा नेता। चलता हूँ, नमस्ते। थैंक यू सर। मैडम प्लीज कल सुबह 10 बजे सर के घर आइए, मीटिंग फिक्स है। हाँ। प्लीज बी ऑन टाइम। श्योर। देर मत कीजिए। ओके सर। ललिता चंद्र बाबू की जय, लीला मैडम की जय, ललिता चंद्र बाबू की जय, लीला मैडम की जय। छोटे, ए छोटे। क्या छोटे, तुझे एक छोटी सी बिजनेस डील मिली फिर भी तू ऐसे दिखा रहा था जैसे तुझे बहुत बड़ी डील मिल गई है। ये छोटी मोटी डील्स ना तू ही कर, बड़ी डील्स तो मुझे ही मिलेंगी। ए शिवू, खुद को बिजनेसमैन कहना ही काफी नहीं होता, इसे प्रूव करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर कोई भी मुझे इस तरह से चैलेंज करेगा उसका हश्र यही होगा। क्या कहा था, तुम्हारा 7 महीने का प्लान सेट हो गया है ना? अगर ये एक शादी हो गई तो मेरे 7 साल सेट हो जाएंगे, याद रखना। अब ट्रेडिंग में है शिक्षा मंत्री सर्वोत्तम राय की बेटी सिरी और विपक्षी नेता ललित चंद्र बाबू के बेटे लंबोधर। सिरी लंबोधर विवाह इज द हॉट न्यूज। लीला वेडिंग प्लानर को ये डील मिला है। सो विशिंग लीला ऑफ ली वेडिंग प्लानर्स ऑल द वेरी बेस्ट। आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू श्री एंड लंबोधरा। ये देखिए, अच्छा मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखिए। ओ लीला, अंदर आओ। तुमने बताया नहीं तुम इसी के ऑफिस में काम करती हो? अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आ जाओ। प्लीज। आज अंकल मणि के बताने के बाद ही पता चला कि ये नाग नागेंद्र का बेटा है। नाग नागेंद्र हम सबके बहुत ही करीबी थे भाई। मैंने तो इसे तब देखा था जब ये डायपर पहना करता था। क्या देखा था? हे नॉटी बॉय, शांत रहो। तुम्हें फोटोज से इतनी नफरत है और इसके पिताजी फोटोग्राफर थे, तो फिर तुम दोनों क्लोज फ्रेंड कैसे हो गए? अरे वो पहली और जरूरी बात, मैं इसके फालतू ऑफिस में काम नहीं करती सर। सर देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे बहुत जलते हैं, ये उनमें से एक है। सर अब मैं चलता हूँ। बाय द वे, आपको शादी के लिए लॉकर से गोल्ड चाहिए था ना, उसके लिए कब आएंगे सर? आज ही भेज दो। चन्ना जी। सर आप खुद ही आ जाते तो अच्छा होता सर। ए मैनेजर,
कितने साल से तुम मेरे साथ हो? आपने ही तो मेरा ट्रांसफर करवाया था सर, 5 महीने हुए हैं। ये यहाँ 15 साल से मेरे साथ है। चलता हूँ सर। क्या डिस्कस कर रहे थे? हेलो, ऐसी बात है? ठीक है, हम आ जाते हैं। गुरुजी को कुछ बात करनी है। तो फिर चलें। हाँ। अंकल मणि, हाँ, इन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। भाई, इस शादी की सारी प्लानिंग संजय करेगा या फिर ये लड़की? ये दोनों को साथ में करने दो। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना? ये एक सुनहरा अवसर है, इसे सही से इस्तेमाल करो। तुम दोनों ने जो प्रपोजल पहले जमा किया था उसे भूल जाओ, दोनों साथ में कुछ नया लेकर आओ। हमारे लंबोदर की कामना है इसी मंडप में शादी करने की, समझ गए? सुपर्ब अंकल। अंकल, फ्रेश तरीके से इसे बिल्कुल शानदार बनाएंगे। हाँ अंकल, इसके बासी आइडिया से बेहतर है कि हम नए सिरे से शुरू करें। ए, तुम्हारा आइडिया फ्लॉप है, तुम्हारा बेकार है। अरे चुप रहो, अपनी ये बचकानी हरकतें छोड़ो और इसे सीरियसली लो। दुख की बात यह है कि सिरी और लंबोधर दोनों ने अपनी माँ को खो दिया है। शादी की सारी रस्में हमारी परंपराओं के अनुसार होनी चाहिए। ललित चंद्र बाबू और सर्वोत्तम राय अचिंत्य गुरुजी के कट्टर अनुयायी हैं। तुम्हारा प्रपोजल उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अगर वो अपनी मंजूरी देंगे तभी तुम्हारे आइडियाज को मंजूरी मिलेगी। आया समझ में? इसके बारे में ध्यान से सोचो। श्योर अंकल, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, आप फिक्र मत कीजिए। अंकल, अब हम चलते हैं। हेलो, ठीक है, तुम जाओ। अरे वहाँ कोई फोटो नहीं लिया जाएगा, मुझे इन फोटो फ्लैश से नफरत है। लीला, लीला, अरे रुको तो सही, लीला, ए, लीला, आओ घर ये। वैसे तुम लड़कियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? Kindly explain। तुम्हें शर्म नहीं आती है ना? ए, लीला, मुझसे बात भी मत करना। मैंने इस प्रपोजल के लिए दिन रात मेहनत की, सोचा समझा बहुत कुछ किया। मुझे पूरा विश्वास था कि ये एक शादी मेरा करियर पूरी तरह से बदल देगी। देखो लीला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम पैसे ऐसा... की कीमत भी जानते हो? हाँ, जो मेरे पापा ने किया उसे मैं फेस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं संभल कर रहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरा करियर बर्बाद करना है। अरे मुझे फिर कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है लीला, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। लीला, लीला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हेलो, क्या मिस्टर संजय, आपने परसों फोटो शूट तय किया था ना? हाँ सर, सब कुछ फिक्स हो गया है। शाम सुबह 10 बजे आप लोकेशन पे पहुंच जाइएगा। ठीक है ठीक है। वैसे फोटोग्राफर का नाम क्या है? से चीज ये सब वेस्टर्न है, मैं एक सच्चा नॉर्थ इंडियन हूँ। से चटनी। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ रेडी। ए चमचे, चमेली, चमचा हो या चमेली, फोटो ठीक से क्लिक करना। कौन है ये आदमी काले को हुए सर? अरे छोड़िए ना उन्हें, चलिए हम सब सेल्फी लेते हैं। सर प्लीज जरा ठीक से पोज दीजिए, कल रात मैंने व्हाट्सएप पर पोज देने का तरीका बताया था ना। मुझे नहीं तो इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया। क्या? असिस्टेंट जी सर। चलो ब्लो करो। ए खोलो और ब्लो करो। ए मेरा मतलब इसे बेवकूफ आदमी से चकली चकली। अरे देखो यार ये कितना खराब पोज दे रहा है। कोई बात नहीं सर, मैनेज कर लो, शक्ल ही ऐसी है।
चलो सब लोग यो-यो पोज़ दो। असिस्टेंट जी, पकड़ो इसे। ओके सर। मिस्टर, तुम्हें रोमांटिक होना होगा। हाँ? अपनी फीलिंग्स दिखाओ। हाँ? जाओ वहां जाके खड़े रहो। हेलो। हे हीरो, अरे यहाँ देखो, तुम्हें मुझे देखना है और बाद में वैसा ही करना है, समझे? हाँ? हाँ? देखिए मैंने बस टच किया, गलत नहीं किया। चलो आओ। अरे बेवकूफ, यहाँ खड़े रहो, कैमरा दो। अरे इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। सही कहा, ये लोग हैं तो किसी काम के नहीं। सर, कुछ और डिफरेंट एक्साइटिंग ट्राई करें क्या? असिस्टेंट जी, सर लोकेशन शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है सर। अरे बाप रे, सो फास्ट एंड क्यूरियस। सर संजू, क्या हम शुरू करें? हाँ शुरू कर देना सर। पीछे हो ना। रेडी रेडी। अरे यार, अब ये मुझसे नहीं होगा। भाई साहब, थोड़ा मर्दों जैसा पोज कीजिए ना। अरे अरे मिस्टर चमेली, आपने उसे क्या कहा? वहां देखो। अबे अरे बाप रे बाप रे, खून। तुम्हारे होठों पर लव बाइट से खून बहना चाहिए, लेकिन कांटा चुभने से खून बह रहा है। तुम वहां जाकर ऑब्जर्व करो, ये कैसे किया जाता है मैं दिखाता हूं। वेट, जाओ। गुलाबो रेडी होना, पोज ऐसे नहीं देते, ऐसे देते हैं। कवर किया है। किस नहीं किया है? दुल्हन, दुल्हन को किस नहीं? तुम सबने गुलाबो को डरा ही दिया। हाँ अरे भाई साहब, आप दूल्हे ठीक से जाके खड़े हुई है। मिस्टर चमेली ले लीजिए। अरे घोंचू कहीं का। सर इसमें दूल्हे की छाती थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो गई, थोड़ी कम कर दी। तूने मुझे ऐसी जगह क्यों फंसा दिया बे? द वर्ल्ड फेमस प्री वेडिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर चमेली हूँ और ऐसे बेवकूफ की फोटो खींच रहा हूँ। तुमने मुझे सही से पैसे भी नहीं दिए हैं और वो है कि ठीक से पोज नहीं दे पा रहा है। ये क्या क्या लगता है तुम्हें मैं कौन हूँ? अरे भाई साहब, वो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। जूस पियेंगे आप लोग? जूस जूस जूस। ये 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 आपके लिए कैच। यस, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, पर आज न जाने क्यों हो रहा है, लेकिन दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ करूं तुम्हें? तुम यहाँ गेम खेल रहे हो मेरे साथ और वो फोटोग्राफर चैटिंग, क्या नाम है उसका, मेरे भाई से बदतमीजी से बात कर रहा है। इसके बाद उसने एक शब्द भी कहा ना तो मैं उसका टकला फोड़ के उसकी फोटो खींचूंगा। क्या हो रहा है सब? मुंह बंद कर घोंचू, अब ये मेरी सास है। ससुर जी, हमारी जोड़ी कैसी है, हमें आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आपको पता है जिस पल इन्होंने मुझे छुआ उसी पल मुझे कुछ महसूस हुआ, और माँ जब ये किस करने से चूक गए तो मेरा मन इन्हें किस करने का हुआ। मैंने तो फेसबुक पर भी मैरिड स्टेटस अपडेट कर दिया है। क्या कर दिया तुमने? फेसबुक पर भी अपडेट कर दिया? चलो ठीक है, जान पहचान वाले शैतान से बेहतर है किसी अनजान फरिश्ते के साथ रहना।
ससुर जी। ढेर सारा प्यार दामाद जी, आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे ना? डोंट वरी ससुर जी, ये है मेरी जिंदगी। ए, बंद कर ये सब। ए, ये क्या हो रहा है? तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हो? इसने हमें बेवकूफ बनाया और यहाँ हमारे सामने नाच रहा है और तुम दर्शक बने तमाशा देख रहे हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, वन मिनट प्लीज। मैं, मेरी पत्नी, मेरे ससुर जी और उनकी पत्नी डबल डेट पे जा रहे हैं। कम ऑन माय वाइफ, यू कैरी ऑन विद योर फाइट। ए, तुम क्या गूंगे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? जाओ ना, कुछ बोलो। बहुत नाटक हो गया तेरा। तेरे भाई का लॉस हुआ है तो मुझे भी पैसे का लॉस हुआ है। तेरा भाई है ही झंडू। ए, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम मेरा बैकग्राउंड जानते भी हो? सोच भी नहीं सकते क्या करूंगा तुम्हारे साथ। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? और तू जानता भी है मैं क्या कर सकता हूँ? अपने भाई को दोष दे जो ढीला ढाला है। और एक बात, उस लड़की से शादी तुम लोगों ने फिक्स की थी, मैंने नहीं। ए, उस टकले को तो तुमने फिक्स किया था ना। हेलो, मेरे मालिक से बात कर रहा है ना, समझता क्या है खुद को? मेरे मालिक से बात करना। मैंने कहा ना मेरी शर्ट छोड़। पहले बात कर। अरे शर्ट छोड़ गए। हेलो, हाँ क्या है? जानती थी तुम्हें टाइम की कदर नहीं है, लेकिन तुम में सेंस नहीं है ये भी कंफर्म हो गया। देख, अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, सारा गुस्सा तुझ पे निकल जाएगा। मैं आश्रम के पास सड़क के किनारे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम कहीं और झगड़ा कर रहे हो। हेलो, आज आश्रम में हमारी मीटिंग है, ये बात तुम भूल गए क्या? ओए, सड़क के किनारे वेट करना, एक साथ गुरु जी के आश्रम जाना, ये सब तुम्हारा प्लान था? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो अब चुपचाप वहाँ पे वेट करो, मैं आता हूँ। एक फोटोग्राफर को सिर्फ फोटो खींचने से मतलब रखना चाहिए, इसके बजाय वो होने वाली दुल्हन को उठा ले गया और तू चाहता है कि हम चुप रहें। ए, हमारे बॉस भले ही नॉर्थ कर्नाटक से हैं, लेकिन साउथ में उनका बहुत दबदबा है। तूने हमारे बॉस को धोखा दिया? सर, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये तो पक्का है। मुझे नहीं पता इसने आपके साथ क्या किया है, लेकिन अभी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं भी आप लोगों को इसे पीटते हुए देखना चाहती हूँ सच में, लेकिन प्लीज 2 घंटे बाद वापस आना, हम मीटिंग खत्म करके तुरंत आते हैं। ए, चल जा यहाँ से। ए, मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुझे? दिमाग है या नहीं इडियट? Oh!
सर, किस बात का हंगामा है? सर, अपने कपड़े ठीक करो और चेहरा धोकर आओ। गुरुजी के सामने इस तरह से आकर मेरा रेपुटेशन खराब मत करो। यही कहीं वॉशरूम होगा, जाओ फ्रेश होकर आओ। ए, इधर आ। जा जाकर प्रसाद परोस। हाँ ठीक है। ए, अपवित्र इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई टॉयलेट यूज करने की? टॉयलेट यूज करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, प्रेशर आया तो चला गया, इसमें क्या हुआ? ए बदतमीज इंसान, ये गुरुजी का पवित्र शौचालय है। कौन पवित्र? तुम्हारे गुरुजी की बेटी? अगर एक शब्द और कहा तो आश्रम से बाहर फेंकवा दूंगा। ये टॉयलेट सिर्फ गुरुजी के लिए आरक्षित है। ए, आध्यात्म से जुड़े लोगों के अलावा हम जैसे साधारण लोग वहाँ नहीं जा सकते। हर पखवाड़े में अमावस के दिन गुरुजी खुद जाकर दरवाजा खोलते हैं। छोटे चेतन, फालतू के डायलॉग मत मारो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है तुम्हारे गुरुजी 15 दिन में एक ही बार टॉयलेट जाते हैं, 14 दिन रोक रखते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! अरे 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 अरे, जा रहा हूँ मैं भाई, अभी अभी का एक्शन सीन करके आ रहा हूँ, दोबारा करने की अभी ताकत नहीं बची। ए, बेहतर होगा यहाँ से दफा हो जाओ। ए, गुरुजी को ये बात पता चली ना तो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। ए सिक्योरिटी, तुम्हारे पास दिमाग नहीं क्या? वो दरवाजा खुला है, जाओ उसे बंद करो, जाओ। गुरुजी, ये संजय है और ये लीला। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ये अपने कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हाँ, मैं लिख के लाया हूँ। यहाँ पर है गुरुजी। इस शादी को बेहद अनोखा बनाने के लिए हमने बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी की है। हमारे प्रपोजल में 5 मुख्य बातें हैं और क्या हमें
इसमें कुछ बदलाव करना होगा? सब कुछ बदलने की जरूरत है। इसमें बहुत ही अधिक भव्यता प्रदर्शित हो रही है। अगर केवल ये साधारण शादी है तो वर और वधु को आशीर्वाद जरूर मिलेगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। चन्ना जी, तुम गुरुजी की बातें समझ गए हो ना? जी जी सर, समझ गया सर। तो फिर आज ही तुम प्रेस वालों को बुलाओ। ओके सर। शादी में कोई भी उपहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके बदले हम केवल किराने का सामान स्वीकार करेंगे। और हाँ, शादी के दिन जो भी सामान प्राप्त होगा उसे गुरुजी के अनाथालय में भेज दिया जाएगा। उसी दोपहर वहाँ के बच्चों को खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये साफ सुथरा दिखना चाहिए। हो जाएगा सर। शादी में जनता और प्रेस नहीं आएंगे, ये सब सिर्फ परिवार तक सीमित रहेगा, ये मेंशन जरूर करना। समझ गए? समझ गया सर। चलो अरे क्या अंकल मणि, इसका सर क्यों खा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, प्रेस रिलीज के बारे में समझा रहा था। अब उसे जाने दो, उसे ऊटी जाना है, उसकी बेटी का जन्मदिन है। ऐसी बात है चन्ना? जी सर। तो पहले वहाँ जाओ। आता हूँ सर। गुरुजी ने क्या कहा समझ गए ना? उनके अनुसार ही चीजों की तैयारी करो। जी बिल्कुल सर। अब आगे क्या सर? हम लोग सर, कल इवनिंग में हम लोगों ने दूल्हा और दुल्हन के लिए एक रोमांटिक डेट का अरेंजमेंट किया है, सो प्लीज सिरी और लंबोदर सर को भेज दीजिएगा। डेट? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों दोस्त, क्या हुआ? इस डेट की क्या जरूरत है? ये आजकल की जनरेशन है, यही तो ट्रेंड है, जाने दो इन्हें। सिरी मैम, लंबोधर सर, वेलकम टू। सर, आप मेरा नाम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे सर, क्योंकि आपकी इस खूबसूरत शाम के लिए संजय ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आप दोनों देखते रह जाएंगे सर। एक्सक्यूज मी, तुम्हें चाहिए? ओके आप ही भी लीजिए। सर सर मैम, आप दोनों की पसंद की। सर मैडम की हेयर स्टाइल देखिए, उनकी आई शेडो भी, और उनकी लिपस्टिक सर, आहा ब्यूटी है, ब्यूटी। अब लार टपकाना बंद करो। सर मैम, आप दोनों शाम को अच्छी तरह एंजॉय कर सके इसके लिए हमने काफी एफर्ट्स लगाए हैं। आई होप आप इसकी फालतू बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। आपके दिल में जो आ रहा है खुल के कहिए, आपके दिल की हर एक भावना को आज खुल के कह दीजिए सर। इन्हें पता है इन्हें क्या करना है, तुम चिंता मत करो, आप लोग एंजॉय कीजिए और तुम चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो, बताती हूं। सर मैडम बहुत ब्यूटीफुल है। चुप हो जाओ। ये लो। हाँ थैंक यू। गर्मा गर्म मिर्ची की भजिया लो। एक लड़की के चेहरे पे जो खुशी दिखनी चाहिए वो तुम्हारे चेहरे से ऐसे गायब हुई है कि पूछो मत। क्या बात है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हों फिर भी बंदरों की तरह हरकतें करे तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। अब खुद ही को देख लो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है फिर भी बंदरिया जैसी हरकतें करती रहती, सोसाइटी ने तुम्हें भी तो एक्सेप्ट किया है। वो दोनों कितने भाग्यशाली है ना, उनके पिता के पास दुनिया भर की संपत्ति है, जिस चीज पर वो नजर डाल दे वो सब खरीद सकते हैं। बिना किसी बाउंड्रीज के वो अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। ये पैसा ना बहुत ही अजीब सी चीज है, केवल पैसों से जीवन सुखी हो जाए ऐसा मानना झूठ है, और बिना पैसों के आपकी जिंदगी सुखी होगी ये तो उससे भी बड़ा झूठ है। तो फिर सच क्या है तुम ही बता दो। जिंदगी में खुशी और गम की बाजी में मैं हमेशा से हारती आई हूं, हर बार मुझे हार सहनी पड़ती है। मैं ऐसी जिंदगी जीने से सच में तंग आ चुकी हूं, ये लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस, इसमें दम घुटता है मेरा। किसी भी कीमत पर
मैं अपने पापा की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती। हे, हे लीला, इतनी इमोशनल मत हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका अच्छा वक्त ना आए। तुम्हारा भी आएगा, चलो खुश हो जाओ, चीयर अप। ए, हाथ हटाओ अपना, समझे? मुझे सहारा देने के बहाने मेरा फायदा उठाना चाहते हो? ये पागल लड़की, इसे ही कहते हैं लड़की की अकड़। मैं तुम्हें दोस्त की तरह समझा रहा था क्योंकि तुम मेरे डैड के दोस्त की बेटी हो, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे पे इल्जाम लगा रही हो। ए, तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, चल जा। तुम जाके पुजारी से बात करो, मैं बाइक पार्क करके आता हूं। हेलो, तुम जाओ और जाकर पुजारी से बात करो, मैं भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। कौन हो तुम? लेडीज लिटिल प्रिंस। ए, क्या कहा तुमने? बेबी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम मुझसे थोड़ी सी लंबी हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगा। तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन मैं भी जल्दी ही मैच्योर हो जाऊंगा बेबी। आई लव यू। मैं यहीं पर रुकता हूँ, 5 मिनट में जवाब दे दो। हाँ? स्टूपिड फेलो, 5 मिनट पहले तुमने मुझसे यही डायलॉग कहा था ना? पर 5 मिनट में तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना बेबी, इसीलिए मैं मूव ऑन हो गया। हे छोटे बंदर, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। ओह गॉड, अरे बेबी तुम तो इससे काफी बेहतर हो, चलो यहाँ से भागते हैं। राजा, पुजारी जी, ये राजनेताओं के बच्चों की शादी है, अच्छे से काटना। लगभग 50,000 लगेंगे। अरे 50,000 छोड़िए, आप 75,000 भी ले सकते हैं, पर शादी आप दोनों को ही करानी होगी। हाई प्रोफाइल वेडिंग है, जितना मुंह फाड़ सकते हैं फाड़िए, पर शादी अच्छे से होनी चाहिए। क्या बात है? पंडित जी का कैलेंडर बिजी है, हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये क्या है, ये दोनों यहाँ पर एक साथ कैसे आ गए? ज्योतिषीय संकेत ने सुबह मुझे चेतावनी दी है कि कोई संकट मुझ पर आने वाला है। सही कहा आपने। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा पंडित जी, वो क्या है कि इस शादी को हम दोनों एक साथ हैंडल कर रहे हैं। क्या कहा? तुम दोनों ही एक साथ इस शादी के वेडिंग प्लानर्स हो? हाँ बत्रा जी, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? हे भगवान जी, जब तक मेरा फुल पेमेंट नहीं हो जाता, इन दोनों के बीच किसी भी तरह का झगड़ा नहीं होने देना, प्लीज तब तक सब संभाल लेना भगवान। अब भगवान से बात करना बंद करो, मेरी बात सुन, बहुत भरोसा करके उन्होंने हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जरा सी भी गलती की ना तो तेरी पुंगी बजा दूंगा, काट के रख दूंगा। क्या पेमेंट रे? हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये मेरे पापा के स्टूडेंट हैं। उनका स्टूडेंट है इसलिए तो भरोसा नहीं है इस पे। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरी भी एक शर्त है। क्या बत्रा जी? आपको सारा आइटम्स लाना होगा। तेरे पास आइटम नहीं है क्या? मेरे पास है, लेकिन मिलेगा नहीं। पिछली बार जब मैं लेकर आया था तब तुमने मुझे अच्छी तरह से रगड़ा। आपको साबुन थोड़ी हो जो रगड़ा होगा, वैसे भी शादी में जो लोग आ रहे हैं वो गिफ्ट के तौर पे अनाज ही देने वाले हैं। अगर आपके पास किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो मैं गिफ्ट फाड़ दूंगा। अरे वो सब तुम्हारा सिर दर्द है, हम बस खाना पकाएंगे और आइटम्स तुम्हारे होंगे। रेडी है, मेरी तरफ से सब कुछ रेडी है। सेम हियर।
तो फिर डील? डील। यहाँ नहीं, वहां जाओ। नमस्कार, मैं और सर्वोत्तम राय अनाज से भरी इस गाड़ी को यहाँ से रवाना करते हैं। ये कार्य किसानों के प्रति हमारा प्यार दिखाता है। नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। यहाँ गाड़ी में केवल चावल से भरी बोरियाँ हैं, किसी भी बोरे में पैसे नहीं है। पैसे कहाँ हैं सर? बाबू, चन्ना को फोन करो। परसों मैं अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए आपको इनवाइट करने आया था सर। बोरियों से भरी गाड़ी आपने पहले ही भेज दी। आपके मन की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही है। क्या भाई, आपके गुरुजी ही एब्सेंट हैं? क्यों, उन्होंने धोखा दे दिया? जो भी है बाद में बात करते हैं। देखो इसे सर्वोत्तम, रिटायरमेंट लेटर तो टाइप हो चुका है पर घमंड अब तक टूटा नहीं। एक मिनट भाई, स्पैम कॉल, क्या करें भाई, आप दोनों कभी पकड़े नहीं गए ना। भले ही मुझसे कैच छूट गया हो लेकिन मैच तो मैं ही खत्म करूंगा। तेरे रिटायरमेंट में तो दो ही दिन बचे हैं, अब क्या कर लोगे? क्या हो गया? दरअसल भाई, मैं आप दोनों को दो दिन के अंदर ही पकड़ लूंगा। इसकी जानकारी सिर्फ टीवी और प्रिंट मीडिया को ही दी है, मैं ट्रोल पेजों को बताना भूल गया भाई। हाँ, मैं उन्हें भी बता दूंगा। बच्चों, हैप्पी मैरिड लाइफ। अब मैं चलो भाई, हैप्पी टाइम।
अरे तूने ऐसा क्यों कर दिया? उन्हें पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। मैं यहीं खड़ा होकर रहूं क्या? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, समझा? मार डालूंगा। चल चल चल, फोन कट कर, कट कर फोन। पूछ रहे के फोन कट करोगे नहीं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। क्या हुआ? सर, मैडम, वो रास्ते में हमने जो गाड़ी बुक की थी ना, वो पंक्चर हो गई और उसने कैंसिल भी कर दिया आने के लिए। ए बेवकूफ, अगर कोई अनलोडिंग नहीं है तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अगर इसके पास दिमाग नहीं है तो क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपके लिए बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, क्या मैंने कभी ऐसा किया है पहले? उसकी गलती और दोष मुझे दिया जा रहा है। सर दर्द हो रहा है, जा कॉफी लेकर आ। स्ट्रांग या मीडियम लाओ सर? ठीक है, मैं नॉर्मली लिया था। यहाँ सब कुछ चल रहा है और अभी ने चाय और कॉफी की पड़ी है। आखिर हो क्या रहा है ये सब? वो पुलिस वाला कौन है? वो है एसीपी त्रिलोक कुमार। बहुत ही ईमानदार, ब्रेव, सिंसियर और थोड़ा सा सटका हुआ ऑफिसर। उनकी आपस में बनती नहीं क्या? ये एसीपी किसी को भी पसंद नहीं। अगर वो सच्चाई का पता लगाना चाहे तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी रुकावटें आए, ये आदमी रुकता नहीं है। ये हमारा बैड लक है कि हमारा पैसा यहाँ फंस गया। कल ही जाकर अपने बैलेंस पेमेंट के बारे में बात करनी होगी। हाँ, शादी रद्द कर दी गई है। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज होंगे ना, तो क्या वो सब मैं मीडिया को बताता रहूं? मैं बाद में कॉल करता हूं। बाबू, कल से ही मीडिया मुझ पर प्रेशर डाल रही है। ये शादी क्यों रद्द हो गई, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। एक या दो नहीं, पूरे 100 करोड़। ये 100 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं, और उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि शादी क्यों रोक दी गई। गुरुजी से कांटेक्ट हुआ? नॉट रीचेबल। चन्ना, स्विच्ड ऑफ। यहां क्या चल रहा है? सब लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। गुरुजी के कहने पर हमने प्लान बनाकर 100 करोड़ चन्ना के साथ भेजे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद मैनेजर कह रहा है पैसा गायब है, चन्ना वहां से फरार हो गया। कहां से वो दुष्ट, वो एसीपी आकर टपक गया। अब बताओ, क्या बताऊंगा, हमने शादी क्यों रोक दी? बाबू, धैर्य रखो, शांत रहो। हे, इतना पैसा तो खो ही दिया, अब वो एसीपी पीछे पड़ा है, अब शांत कैसे रह सकता हूं? अब किसी भी समय मैंने जो साम्राज्य बनाया है सब खत्म हो जाएगा। तुम कहते हो शांत रहूं, मेरा तो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पता नहीं अब क्या करूंगा। सर, hey, मैंने कहा था ना, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। चन्ना आया है। शिकारी को कोई शिकार डरा सकता है, ऐसा लगा था क्या तुझे? सर, एक बार मेरी बात सुनेंगे? मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। बता पैसा कहाँ है, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। सर, मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, पर कल क्या हुआ है इसके बारे में बता सकता हूँ। hey, तुझे हिंदी समझ नहीं आती क्या? सर, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बाबू, सर,
गुरुजी के आदेश के अनुसार हमने पवित्र धागा केवल पैसों से भरी हुई बोरियों में ही बांधा था। प्लान के अनुसार सबसे पहले कूड़े के ढेर के पास, मेरा मतलब था कि बिना पवित्र धागे वाली बोरियों को फेंक दिया जाए और जिन बोरियों में पवित्र धागा है उन्हें बैंक को सौंप दिया जाए। उसी बीच मुझे एक कॉल आया। हेलो सर, दीप्ति के पिता चन्ना बोल रहे हैं। जी कहिए। सर मैं ब्राइटवे इंटरनेशनल स्कूल से बोल रही हूँ। आपकी बेटी खेलते समय फिसलकर गिर गई और घायल हो गई। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। न्यूरोसर्जन कह रहे हैं सर्जरी की जरूरत है, तो अगर आप जल्द से जल्द ऊटी आ जाते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा सर। जी जी मैं अभी पहुँच रहा हूँ, जल्दी आ जाइए। जी मैडम, आप प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। श्योर सर, आ जाइए। ओके मैडम। उस कॉल के बाद मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया था सर। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर घबराने लगा। भाई आप इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ है भाई? अगर अर्जेंट है तो आप जाओ भाई, मैं सेफली पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मेरा होना जरूरी है। मैंने ओटी में अपने दोस्तों को फोन किया, अपने कजिन्स को फोन किया, किसी ने भी मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया सर। मेरी खराब किस्मत, मेरा फोन गिरकर टूट गया। फिर भी उस टेंशन में मैंने ड्राइवर को बिना पवित्र धागे वाली बोरियों को ही फेंकने को कहा। उन्हें फेंकने के बाद मैंने चेक किया था सर, जो बोरियां फेंकी गई थी वो बिना पवित्र धागे की ही थी। वहां से हम सीधा बैंक गए। बैंक मैनेजर रविशंकर को मैंने वो पवित्र धागे वाली बोरियां सौंप दी और तुरंत मैं वहां से ऊटी के लिए रवाना हो गया सर। नो मिस्टर चन्ना केशव, हमारे स्कूल से किसी ने भी आपको कॉल नहीं किया। इफ इट्स एन इमरजेंसी वी विल कॉल यू विद प्रॉपर डिटेल्स। हम कभी भी पेरेंट्स को रैंडम कॉल्स नहीं करते। किसी ने बड़ी चालाकी से साजिश रची है सर। यकीन मानिए, जैसे ही मुझे साजिश के बारे में पता चला मैं तुरंत यहां चला आया। सर्वोत्तम, 100 दिन चलेगी। ऐसी बाप बेटी की सेंटिमेंटल स्टोरी है ये। तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूं? ये कहानी किसी और को सुनाना। बता मुझे तूने पैसे कहाँ छुपाए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। इसे बता पैसे कहाँ हैं? बता मुझे। बता। छोड़ दे तू इसे। बता। सर, बता पैसे कहाँ हैं? संजय और लीला आए सर। कोई सीएम हो या पीएम, बाद में बात करूंगा। तुझे तो सर शायद पैसों के बारे में बात करनी है। नमस्ते सर। सर मैंने सुना शादी रद्द हो गई। सीधे मुद्दे पे आओ। सर वो आपने कहा था शादी वाले दिन हमारा पैसा सेटल कर देंगे, पर पेमेंट अभी भी बाकी है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो भी प्लान किया था सब कुछ परफेक्ट था। तो क्या करूँ, क्या करूँ तेरे प्लान का पागल। बाबू हम अभी बहुत प्रेशर में हैं, 2 दिन और पेमेंट क्लियर कर देंगे। हे प्रभु प्लीज जल्दी से 2 दिन बीत जाए। सर हम चलते हैं, चलो। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है? मैंने तुम्हें समय पर आकर शादी रोकने के लिए कहा था, खत्म होने के बाद नहीं, और ना ही खुद की बैंड बजाने के लिए। क्या करूं बॉस, मैं शादी रोकने ही जा रहा था। मेरी पत्नी ने अचानक फोन किया और करीम भाई के होटल से खाना लाने को कहा। जीप ने अपना रास्ता बदल लिया। प्रेग्नेंट लेडी की डिजायर बॉस, इट्स अ फैमिली कमिटमेंट। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम मुझसे क्या उम्मीद करता है लोफर? लास्ट मोमेंट पर तू कॉल करके कहेगा तेरी शादी रोकने के लिए मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड हूं क्या? सर मैंने अपनी शादी रोकने के लिए फोन किया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इससे जरूर तुम्हें मदद मिलती बॉस। तुमने तीसरे अंपायर को नो बॉल डालकर उसे मौका जो दे दिया। हाँ
लेकिन अगर बॉलर अपील करता तो थर्ड अंपायर अपना फैसला देता। मतलब? मैं ये शादी करना नहीं चाहता, मेरे पिता ने मजबूर किया ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवा दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बॉस कंप्लेंट फाइल करो बॉस। जरूरत नहीं, बस मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ, आप सिर्फ साइन कर देना। टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हेलो, करीम भाई के होटल का खाना स्पाइसी है, रशीद भाई का ट्राई करना, जलन कम होगी। सर हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। रिसीव्ड। अचानक ये सब हुआ तो मैं बहुत डर गई थी अंकल। मेरे लिए ये बहुत आम बात है, फ्लैशिंग लाइट्स और फोटो फ्लैशेस की लाइट्स जब मुझ पर पड़ती है तब ये होता है। इसे फोटो सीजर्स कहते हैं। जबकि मैं बहुत केयरफुल था, लेकिन कुछ बेवकूफों ने दूसरे दिन मेरी फोटो खींच ली। जिस वक्त मैं बेहोश होकर गिरा उस वक्त संजय ने मेरी बहुत मदद की। अरे अंकल, इस आदमी पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है, ये क्या किसी की हेल्प करेगा। हेलो अंकल, मनी को बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल में एडमिट करवाने वाला मैं ही था। शादी रुक जाने की वजह से अब सब तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोगों को पूरा पेमेंट दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। हो, हाय गाइस, यहाँ ब्रेकफास्ट पार्टी चल रही है क्या? हमें चलना चाहिए। हे, व्हाई नॉट, चलो निकलो। अंकल हम लोग निकलते हैं। हाँ एक मिनट, तुम लोग शाम को फ्री हो? हाँ सर। चलो मिलते हैं। ठीक है सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ दोस्त, आज हमारे कॉलेज का रीयूनियन है, 83 के बैच का यहाँ मिलने का प्लान है। तब हम बैचमेट हुआ करते थे, अब तुम्हारे बिना हम कैसे मिल सकते थे, इसीलिए मैंने सभी को यहाँ बुलाया है। तुम जरा सीरियस होकर बात कर सकते हो? सीरियस, पूरा सीरियस, डन। तुम यहां पर क्यों हो? त्रिलोक, अंकल मणि, मेरे यहां आने का कारण और तुमसे सवाल करने की वजह तुम जानते हो। त्रिलोक, हर कोई जानता है मुझे फोटो सीजर्स की परेशानी है, और तुम भी यह अच्छी तरह जानते हो। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं दोस्त, लेकिन 100 करोड़ रुपए गायब हो गए। क्या मतलब? तुम मुझ पर 100 करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगा रहे हो? हैं? तुम्हारे पास हो सकता है? सुनो एसीपी त्रिलोक कुमार, तुम्हारे पास फॉर्मल कंप्लेन या लीगल वारंट नहीं है, बिना किसी सपोर्ट के तुम्हारा ये इन्वेस्टिगेशन बेकार चला जाएगा और तुम किसी कायर की तरह रिटायर हो जाओगे। अरे यार, इस मुलाकात को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रंट कैमरे से एक सेल्फी तो ले सकते हैं। ओ सॉरी, तुम्हें फ्लैश से नफरत है? ओके। अंकल मणि, तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद हम मिलकर रियल रीयूनियन करेंगे जेल में। कैसे हो मणि? अब ठीक लग रहा है भाई। तुमसे कोई मिलने आया था क्या? नहीं भाई। सर चाय। सर शिव, तूने चाय ऑर्डर की थी क्या? नहीं सर, नहीं। सुनिए सर, मैं यहाँ नया हूँ सर, मेरी बीवी ने चाय बनाई है, एक सिप पीकर तो देखिए, फिर आप बार बार कॉल करेंगे सर। तुम्हारी बीवी को? चाय की बात कर रहा था सर। ठीक है समझ गए वो, चलो इधर आओ।
शुक्र है मेरा काम कम कर दिया। जाओ चाय दो ने। मुझे लगता है तुम मनहूस के मनहूस ही रहोगे। बचपन से ही मेरे पापा तुमसे दोस्ती करने के लिए मना किया करते थे मुझे। तो अब मुझसे दोस्ती क्यों कर ली? मैं कब आई तुम्हारे पास? हाँ, तुमने मेरे रास्ते में अपनी नाक घुसाई। जिस वक्त तुमने अपने मनहूस कदम रखे उसी वक्त तय हो गया कि शादी कैंसिल होने वाली है। ये मनहूस मैं नहीं, तू है। अभी से नहीं, तुझे बचपन से जानता हूँ। बात बात पे गुस्सा करती है बस। एक पंडित ने बचपन में मेरा हाथ देख के कहा था कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारे 3.5 लाख रुपए अभी भी आने बाकी हैं। देखो, उसमें से 2 लाख मेरे हैं, बाकी सब तुम्हारे हैं। मुझे मेरा हिस्सा दे दो बस, और अपने हिस्से के लिए उनसे बात करते रहो। अरे ये क्या बात हुई मैडम, पिछले 5 महीने से 500 रुपए बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया संजय सर ने। और आप सर से उम्मीद कर रहे हो जैसे इनके पास पैसों का पेड़ हो। ये लीजिए सर। शुरू में तो तू कुछ ज्यादा बोल रहा था, अब पर आखिरी बात तू ठीक बोला। सब लोग सुन लो, जिन जिन लोगों को मुझे पैसे देने हैं उन सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो क्या है कि अभी मैं पूरी तरह लूट चुका हूँ। सर, मेरी चाय के पैसे। अबे चाय के पैसे तो दे ही दूंगा। कितना हुआ तेरा? 30 रुपए सर। इतनी महंगी चाय? हेलो। हेलो सर। यस आकाश। मुझे लगता है उन्होंने पैसे के साथ कुछ नहीं किया है सर। मैंने जो ऑब्जर्व किया है उनका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। इसलिए कि शराब पर जो MRP है उसे देखकर वो लोकल लगती है। उसे बेवकूफ मत बनो आकाश। कभी कभी विदेशी शराब जहाँ नहीं मिलती है वहीं है पाई जाती है। ललित चंद्र बाबू और सर्वोत्तम राय बहुत ही बुरे हैं। अपने पैसों की सुरक्षा के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट सर, हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच आकाश। मेरे रिटायरमेंट के बाद लोकल स्टोर से विदेशी ब्रांड की शराब लेकर पार्टी करेंगे। श्योर सर, मैं शाम तक उनकी निगरानी करता रहूंगा सर। किसी भी तरह की डाउटफुल एक्टिविटी दिखाई दी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके, टेक केयर। श्योर सर। क्या बात है भाई, हैं? आप लोग तो कितने अलर्ट हो गए हैं। अगर हमारे ऊपर कोई वार करने वाला पैदा हो जाए तो अलर्ट होना पड़ेगा। होना चाहिए। आपको शादी से पहले जो लास्ट कॉल आई थी वो हमारे बैंक मैनेजर रविशंकर जी थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप शहर में अफवाह फैला रहे हैं कि आपने अपना पैसा खो दिया है। एक रिटर्न कंप्लेंट लिखवा दीजिए ना। अगर इसके पीछे कोई भी हुआ तो वो सलाखों के पीछे होगा। अगर कंप्लेंट करने वाला ही दोषी हुआ तो? सर्वोत्तम, हम अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाकर बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हड्डियों का लालच देकर हमें ही बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, ये कुत्ता, बिस्किट, हड्डी, पैसा, इतनी सारी बातें जो आपने अभी कही हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। सर, इसे आसान शब्दों में कहेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा। hey, तूने अंकल मणि को अपनी तरफ किया और दोनों मिलकर साजिश कर रहे हो। यहाँ कुछ ठीक दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या है वो जल्द पता चल जाएगा। जब तक पता चलेगा तू हार चुका होगा। एक्साइटमेंट में तू अपने रिटायरमेंट के बारे में बोल चुका है। लगता है गुरुजी अभी भी नॉट रिचेबल है। क्या भाई, तुम्हारे बॉस का गुस्सा तुम पर खत्म हो गया? हाँ, बस कल तक रुकिए सर, सच क्या है ये आपके सामने आ जाएगा।
सर, सच में मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था सर। ओहो, उस समय आप कहाँ गए थे साहब जी? सर, एक्चुअली संजय उस वक्त अंकल मणि को हॉस्पिटल लेकर गया था सर। आपको तो पता है अंकल मणि को फोटो सीजर जैसी बीमारी है, तो फोटो। तुम सब ललित चंद्र बाबू के द्वारा भेजे गए लफंगे हो या सर्वोत्तम राय द्वारा भेजे गए बेवकूफ गुंडे? हे, मरने के समय इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे? अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे। बिल्कुल नहीं। Ha 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 ha!
ऑन ब्रो, क्या उन गुंडों ने तुम्हें लोकेशन भेजी थी? सर टाइम पर आकर उन्हें पंच मारा, इसलिए मैंने पूछा। सर हम दोनों यहीं पे बैठ के आराम से खाना खा रहे थे, फिर मैंने देखा कि आपकी इन लोगों के साथ लड़ाई हो रही है, इसीलिए आपको बचाने आ गया सर। आप बेमतलब में मुझ पे शक कर रहे हैं सर, मैं तो ये भी नहीं समझ पाया कि ये लोग आपको मारने क्यों आए थे। सर आप जिस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका हम दोनों से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है सर। तुम ये जो नाटक कर रहे हो उससे मेरा डाउट कम नहीं होगा ब्रो। हाँ वो शादी का वीडियो कहाँ है? शादी का वीडियो? सर शादी क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले ही रुक गई थी, इसीलिए वीडियो एडिट ही नहीं करवाया। डोंट वरी, क्लाइमेक्स ना वो मैं खुद बना लूंगा। वो शादी का वीडियो मुझे दे दो बेटा। सर खुद को बहुत बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं, पर इस लड़की से पूछिए, अभी तक हम लोगों का पेमेंट क्लियर नहीं किया, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया हमें। और उधर वो फोटोग्राफर, वो कह रहा कि जब तक उसे फुल पेमेंट नहीं मिलेगा ना तो वो वीडियो देगा ना फोटो। सर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम किससे बताएं? इसलिए कि मैं मजाकिया बातें करता हूँ, मुझे जोकर समझने की भूल मत करना ब्रो। हे, मैं अभी भी कल तक एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ ब्रो। फोटोग्राफर का नंबर मुझे दे दो या फिर अपने तरीके से लूं। सर हेलो सर। हेलो आकाश, तुम कहाँ पर हो? मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ सर। ओ आकाश अंदर आओ, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? आओ सर। हाँ ये रही हार्ड डिस्क, आपने जो शादी की तस्वीरें और वीडियो मंगाई थी वो इस हार्ड डिस्क में है सर। उसने बिना पेमेंट के दे दिया? जब मैंने पुलिस का जिक्र किया तो पेमेंट की बात ही सामने नहीं आई सर। दैट्स ग्रेट सर। इफ आई मे आस्क प्लीज, इस केस को लेकर आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं सर? जब कुल्हाड़ी पेड़ पर वार करती है तो कुल्हाड़ी शायद भूल भी जाए, लेकिन पेड़ इसे कभी नहीं भूलता। ये 2009 की बात है, मुझसे कोई डिटेल्स मत पूछना। ये वही ललित चंद्र बाबू और सर्वोत्तम राय है जो बहुत बड़े घोटाले में फंसे थे। रूलिंग, अपोजिशन, मीडिया, हर कोई उस बड़े घोटाले में शामिल था जिसमें हजारों करोड़ जनता का पैसा था। अगर एक का भी नाम सामने आया होता तो सब के सब जेल में होते। मैंने इसे पर्सनली लिया, सीक्रेटली मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए और मैंने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। वो सब एकजुट हो गए और मुझे निशाना बनाया, और उसमें से ये मेरी सिर्फ एक या दो हार नहीं थी। तब से लेकर आज तक मैं बास की तरह उन पर नजर रख रहा हूं। लेकिन देखो इसे ही कहते हैं किस्मत, उसके अपने बेटे ने मुझे सूचना दी। सुपर ओवर और लास्ट बॉल, इससे खेल पलट भी सकता है, इसीलिए मैं खेल रहा हूं। आई होप यू विन सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू आकाश फॉर योर हेल्प, आई विल बी एवर ग्रेटफुल। एनी टाइम सर। तो मैं अब चलता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। त्रिलोक अंकल मणि के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। एक्साइटमेंट में तू अपनी रिटायरमेंट भूल चुका है। सिर्फ दो दिन बचे हैं तुम्हारे रिटायरमेंट में। आप बेमतलब में मुझ पे शक कर रहे हैं सर। अंकल मणि की जो हालत है उसे फोटो सीजर्स कहते हैं सर, और तुम भी ये अच्छी तरह जानते हो। उस वक्त तो मैं वहाँ पे था ही नहीं सर।
कल मेरे रिटायरमेंट से पहले उन दोनों को कैसे भी पकड़कर सलाखों के पीछे डालना है। प्ले करो जरा। नेक्स्ट प्ले करो। उस वक्त तो मैं वहां पे था ही नहीं सर। हर कोई जानता है मुझे फोटो सीजर से। संजय उस वक्त अंकल मणि को हॉस्पिटल लेकर गया था सर। इनकम टैक्स सेक्शन 56। शादी के वक्त मिला हुआ कोई भी कैश गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, उस पर एक रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। मतलब कैश गिफ्ट को वो 100 करोड़ का बताना चाहते हैं। उस दिन जब हम गुरुजी के आश्रम गए थे और मैं वॉशरूम गया था, तुमने जो पैसा दिया था उसे ब्लैक से व्हाइट करके सुरक्षित कर दिया गया है। अब ये अंतिम 100 करोड़ है। अपने बच्चों का एक दूसरे से विवाह करना सबसे अच्छी योजना है, लेकिन सावधान रहना। तुम्हारे निवास से पैसों से भरी बोरियां ठीक सुबह 10:05 में निकल जानी चाहिए। अगर तुम इस विशेष तिथि और समय को भूल गए तो पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पैसों से भरी बोरियों में ये पवित्र धागा बांध देना। नकद की जितनी भी बोरियां होंगी उनके साथ उतनी ही चावल की बोरियां मिला देना, लेकिन चावल की बोरियों में धागा मत बांधना। बैंक पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले नैऋत्य दिशा की ओर मुख करके नारायणपुरा में कूड़े के ढेर के पास इन्हें डाल देना। कुछ भी नजरअंदाज मत करना, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बस उसी वक्त मुझे पता चला कि वो लोग अपने 100 करोड़ के काले धन को सफेद में बदलने के लिए अपने बच्चों की शादी करवा रहे हैं। ये प्रचार करने के बाद कि वो सिर्फ अनाज ही लेंगे, फिर इनकम टैक्स फाइल करके वो 100 करोड़ कैसे दिखाएंगे? देखो, एक अकाउंट सरकार के लिए था और दूसरा आम जनता के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ऑल द बेस्ट सर। चलो। मैडम बहुत ब्यूटीफुल हैं। चलो ना। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। सीरियस नहीं है। वो सिर्फ अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलना चाहते हैं। अभी के लिए शादी कर लो, बाद में डिवोर्स ले लेंगे, ऐसा पापा ने कहा। डिवोर्स? मैं डिवोर्स तक बात पहुंचने ही नहीं दूंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। इसका मतलब उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनके इशारे पर नाचे। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने हमारे जैसे स्टार्टअप को चुना। तो फिर वो जो कह रहे थे कि ये साधारण शादी स्टार्टअप के लिए एक सुनहरा मौका है, वो सब क्या था? इलेक्शन बस होने ही वाले हैं ना, तो पब्लिसिटी। सो सिंप्लिसिटी के नाम पर पब्लिसिटी का सहारा ले रहे हैं ताकि वो अपने ब्लैक मनी को आसानी से वाइट कर सके। हम दोनों अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहते हैं, पर तुम्हें हर चीज में अपनी नाक घुसानी है। इस वक्त हमें अपने डिफरेंसेस को दूर करके एक टीम की तरह काम करना है। जब अच्छे लोग पाप करने वाले पापियों को धोखा देते हैं तो उस पाप को पाप नहीं कहा जाता। क्या कहा? देखो, ये है काला धन, अगर खो भी गया तो कुछ नहीं कर सकते। चोर को पकड़ना चाहेंगे तो खुद पकड़े जाएंगे। चोर के घर से चोरी करना चोरी नहीं कहलाती। तो फिर डील।
डील। अरे ये है क्या भाई, आपने पूरी जगह खाली करवा दी है? सर कुछ भी ना कहिए सर, अभी इसी वक्त हमें ये बात पता चली है। कूल चन्ना कूल, अभी खत्म कहाँ हुआ यार? लापता लोग पकड़ लेते हैं, खुद ब खुद असली लोग पकड़े जाएंगे। सही कहा चन्ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये चला गया तो सम्मान के साथ रिटायरमेंट पाने समय पर पहुंच जाएगा। बेल्लारी जाने वाली बस में चढ़ रहा था, पकड़कर यहां ले आया। सर प्लीज मुझे मत मारो। सर क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ या कोई बड़ा अपराधी जो मेरा मुंह नहीं खोलने पर मुझे अच्छे से पीटे जा रहे हो? मैं सच बताऊंगा, मैं सबको सच बताऊंगा सर। तुमने तो अच्छे से खातिरदारी की है। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं है सर। सर छूना भी मत, मैं सब बता दूंगा। सर शादी वाले दिन पैसे और चावल गाड़ी में साथ जा रहे थे और संजय सर ने मुझे उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था, तो मैं उस गाड़ी का पीछा करने के लिए चला गया। और इसी बीच सर शादी वाली जगह से लीला मैडम ने अपनी आवाज बदल कर किसी दूसरे नंबर से चन्ना को फोन किया। सर आप दीप्ति के फादर चन्ना बोल रहे हैं ना? हाँ जी कहिए। आपकी बेटी खेलते समय फिसल कर गिर गई थी और उसे काफी चोट आई है। बाद संजू सर गाड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने पैसों की बोरियों में बंधा पवित्र धागा खोल दिया और उसे बदलकर चावल की बोरियों में बांध दिया। चावल की बोरियां समझकर चन्ना और गाड़ी के ड्राइवर ने उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पैसों की बोरियां कूड़ेदान में रह गई जबकि चावल की बोरियां उनके साथ चली गई। सर उसमें कितना था और किस नोट में था मैं सच में नहीं जानता सर। 1,00,000 रुपए की लालच में मैंने ये किया सर। अगर मुझे पहले पता होता कि इसमें पुलिस केस बन जाएगा तो मैं कभी भी ये नहीं करता। अभी वो दोनों कहाँ हैं? टाइम क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? 3:30। उनकी शाम 4 बजे स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है सर। उनकी शाम 4 बजे स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है सर। अगर 4 बजे की फ्लाइट है तो वो पहले चेक इन कर चुके होंगे और इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस कर लिया तो कोई उन्हें छू भी नहीं पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फ्लाइट नंबर BE204 टू ज्यूरिख स्विट्जरलैंड फ्रॉम टर्मिनल 1 हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस।
We regret the inconvenience caused. Yeah! Yeah! Woo! Hey, Akash, ईमानदार प्रयासों के लिए भगवान भी बिना किसी संदेह के मदद करते हैं। हाँ, गारंटी। Hey, तेरे भैया और भाभी की फ्लाइट कैंसिल हो गई। आकाश, उन दोनों को जेल में डालने के बाद रिटायर होऊंगा। हाँ। नोवे, सी, पैसेंजर्स नेम आर संजय लीला। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। सर, मैंने सभी एयरलाइंस के डेटाबेस को स्कैन कर लिया है। आपने जिस पैसेंजर्स की डिटेल्स को प्रोवाइड किया है, उन पैसेंजर्स की डिटेल्स मैच नहीं कर रही है सर। बाबू, उन्हें पहले ही पकड़ना चाहिए था। होशियार हो यार, तुमने तो हमारी फ्लाइट ही बदल दी। मुझे पहले से ही शक था कि शिवू पकड़ा जा सकता है, इसीलिए क्लाइमेक्स के लिए मैंने एक ट्विस्ट सोच के रखा था। सोचकर बुरा लग रहा है, बेचारे शिवू को उन्होंने पकड़ लिया। अरे शिवू की फिक्र तुम मत करो, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो वो शिवू को मसाला डोसा खिला के घर भेज देंगे। तो अब हम कहां जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड के बजाय जर्मनी जा रहे हैं, लेकिन पैसे? ओहो, जर्मनी नहीं जा रहे हम लोग, हमारा पैसा तो स्विस बैंक में है। हमने सिर्फ फ्लाइट चेंज की है, डेस्टिनेशन तो वही है। ये फ्लाइट सबसे पहले जाएगी जर्मनी और फिर टर्न मार के पहुंच जाएगी स्विट्जरलैंड। पता नहीं तुम्हारा दिल कब मेरी तरफ टर्न होगा। ऐसे ही तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमाने थोड़ी ले जा रहा हूँ, कोई तो वजह होगी ना। हाँ, क्या मतलब? आई लव यू। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तुमने कभी पूछा ही नहीं। आई लव यू टू। ये बहुत रोमांटिक था, थैंक्स। हे, डोंट वरी, हमारे हाथ पैसों से भरे हुए हैं, हमारा दिल प्यार से भरा हुआ है। रोमांस तो अब शुरू होगा माय डार्लिंग। नमस्कार, ये नंदन न्यूज है, समाचार प्रस्तोता श्री लक्ष्मी वेंकटराम। हमारे राज्य के एसीपी त्रिलोक कुमार पुलिस बल में ईमानदारी और निष्ठा से सेवा देने के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। चूंकि सूत्रों से खबर मिली है कि सम्मान समारोह में एसीपी को दी गई स्मरणिका में सेब कम थे, जिसकी वजह से कमिश्नर नाराज थे। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जिनका अनुसरण कई प्रभावशाली व्यक्तियों और राजनेताओं द्वारा किया जाता है, अचिंत्य गुरुजी पट्टाया में पकड़े गए हैं। भूमाफिया, वेश्यावृत्ति और कई अन्य अवैध गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी होने के कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उनके कट्टर अनुयायी ललित चंद्र बाबू और सर्वोत्तम राय से जांच के तहत पूछताछ की जा सकती है, ऐसा कहा गया है। ललित चंद्र बाबू और सर्वोत्तम राय के लिए अब चिंता की बात है, क्योंकि वो अब गहरे संकट में हैं। अगले सत्र में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।